नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्याएं और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोनकच्छ नगर में पैदल मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। पैदल मार्च नगर के बस स्टैंड से शुरू हुआ, जो नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचा, जहां पर वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम शिवानी तरेटिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 15 सालों से राज्य भाजपा की सरकार है। मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए जनता को भ्रमित कर सत्ता हासिल की। इसके साथ ही अच्छे दिन आने का भी वादा किया था, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज महंगाई अपनी चरम पर है। कमर तोड़ महंगाई ने जनता को परेशान कर दिया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल पा रहा है, समय पर बिजली नहीं है, प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। रोजमर्रा की वस्तुएं, मसलन पेट्रोल डीजल रसोई गैस राशन इत्यादि के दाम बेहताशा बढ़ रहे हैं। आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। हेरर मोर्चे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनता को छला के प्रदेश और देश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस अवसर पर राजवीर सिंह बघेल, सूरज सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह यशोना सहित बड़ी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान भी उपस्थित थे। देखिए, मध्य प्रदेश सोनकच्छ ही नहीं, पूरे देश का किसान इस कदर परेशान है इस नरेंद्र मोदी और शिवराज की गलत नीतियों ने किसानों को लाइन में लगा दिया है। खेत छोड़ के आज सड़कों पे लाइन में लगना पड़ रहा है। डीएपी खाद, बीज नकली देती है सरकार, खाद का दूर दूर तक पता नहीं है। चार चार दिन किसान परेशान होता है, बड़ी मुश्किल से 2 थैली मिलती है। अब 15 बीघे वाले को 2 थैली लोगे कैसे चलेगा? और झूठ बोलने का जबरदस्त मामला शिवराज के था, खाद की कोई कमी नहीं है किसान भाइयों बहनों, बहुत भंडार भरा है। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया है, जनता ने एक बार तो नकार दिया था। हमारी मांग ये है कि किसानों को दिन में बिजली दो भाई, रात को 12 बजे से 4 बजे तक देते हो, रात भर जागता है किसान, वो भी बीज में ट्रिप होती है। खाद सस्ती करो, उसका फसल समर्थन मूल्य पे खरीदी जाए, कानून बनाइए। ये कानून नहीं है, आज मक्का 1100-1200 में खरीदी जा रही है, 2100 के भाव खरीदी जाना चाहिए, 1100-1200 में खरीद। किसान चारों तरफ से परेशान है, कर्ज में डूब रहा है, रोज आत्महत्या कर रहा है किसान। हमारी मांग ये है कि बिजली सस्ती करो, डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में नरेंद्र मोदी को बोल के मंगवाओ और बिजली का शेड्यूल दिन में करो, ताकि किसान दिन भर परिश्रम करे, रात को अपने आराम से घर पे सो। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।